नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। षड्यंत्र पूर्वक स्वनाम धन्य अध्यक्ष बने भरत भाटी। ट्रस्ट के नव निर्वाचित अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने लगाए षड्यंत्र के आरोप। उज्जैन मध्य प्रदेश गुजराती सैन समाज ट्रस्ट के नव निर्वाचित अध्यक्ष अशोक राठौड़ ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि ट्रस्ट पर बलात् कब्जा करने की नीयत से भरत भाटी स्वनाम धन्य अध्यक्ष बन बैठे हैं। आगे आपने बताया कि विगत एक माह पूर्व 18 मई 2023 को मध्य प्रदेश गुजराती सैन समाज ट्रस्ट के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर समाजजनों ने व समस्त ट्रस्टों द्वारा मुझे अशोक राठौड़ को मेरे पुराने कार्यकाल की कार्यकुशलता देखते हुए सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। वर्ष 2019 के चुनाव में भरत भाटी सहसचिव चुने गए थे। इस दौरान ट्रस्ट के कार्यालय, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए हैं, इसकी चाबी इनके पास थी, जो चुनाव के बाद ट्रस्ट को नहीं सौंपी गई। आगे आपने बताया कि भरत भाटी के द्वारा आए दिन मुझे धमकाया जाता है तथा प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत ट्रस्टों के द्वारा महांकाल थाने और SDM को की गई। वहीं ट्रस्टियों ने भरत भाटी पर दस्तावेज इधर उधर करने तथा अवैध चंदा उगाही का भी आरोप लगाया। बताया जाता है कि ट्रस्ट की बेशकीमती 8 बीघा जमीन गढ़कालिका पर इस मार्ग पर स्थित है, जिस पर स्वनाम धन्य अध्यक्ष भरत भाटी उनके सहयोगियों की नजर है। इसी के चलते षड्यंत्र पूर्वक चुनाव कर भरत भाटी स्वनाम धन्य अध्यक्ष बनकर अपनी चंडाल चौकड़ी के साथ ट्रस्ट की संपत्ति हड़पने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश समाज का ट्रस्ट का मामला है। हमारे पड़ोस बेटे अशोक राठौर जी हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं विगत 20 वर्षों से लगातार, जो कि समय समय पर 3-3 साल में चुनाव हुए हैं, ऐसा इनके प्रोसीडिंग में है और लगातार 20 वर्षों से चुनाव हो रहे हैं, उसमें ये अध्यक्ष बने हुए हैं। उसके बावजूद कि मतलब जो है 18 मई को चुनाव हुए हमारे 18 मई 2023 को, जिसमें श्रीमान भरत भाटी जी और भी युवराज सिंह देवड़ा जी सभी लोग सम्मिलित थे और उन सभी की निगरानी में, उन लोगों के समर्थन में सभी में जो है अध्यक्ष को चुने गए और उन्होंने 30 मई को 12 दिन बाद ही अपने आप को स्वयं को भी अध्यक्ष बनाने का प्रयास किया ट्रस्ट के खिलाफ, जो कि बायलाज के और ट्रस्ट के जो नियम है उसके विरुद्ध उन्होंने बनाए और इस प्रकार से मतलब जो है आए दिन जो है कई प्रकार की धमकियां देते हैं, जैसे कि उन्होंने 13 जून को आकर के मुझे मंच पे आके कह रहे हैं तेरे से मैंने जो कर लेना, तेरे पास सबूत है तब तू हमको जेल पहुंचा देना, मतलब असभ्य भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं और डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास बैठे राठौर जी जो कि हमारे ट्रस्ट के थाने पे भी आवेदन दिया है, SDM साहब के भी आवेदन दिया है, वो हर प्रकार के मतलब एक तरह से प्योर गुंडागर्दी वाला जिसको बोल सकते हैं वो कार्य कर रहे हैं। आपका नाम? मैं संतोष वर्मा हूँ, मैं गुजराती सैन समाज का ट्रस्टी हूँ और इसके अलावा जो है सैन समाज का जिला अध्यक्ष भी हूँ।